नमस्कार। आज हम जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम यदि हमारे आज के जो पारंपरिक खरीदारी के तरीके को समझें तो वहां पे एक फैक्ट्री होती है और एक कस्टमर होता है। तो यहाँ पे हमारे जो खरीदारी का तरीका होता है उसमें कस्टमर फैक्ट्री से सीधा सामान नहीं लाता है, फैक्ट्री से वो जो सामान है वो जाता है C&F एजेंट को, C&F से वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से वो सामान जाता है होलसेलर को, होलसेलर से वो सामान जाता है रिटेलर यानी दुकानदार के पास, और रिटेलर से कस्टमर के पास आता है यानी हमारे पास आता है। और ये जो फैक्ट्री सामान बना रही है ये कस्टमर को कैसे पता लगता है? जब वो इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं विज्ञापन देखता है, चाहे टीवी में देखे, चाहे अखबार में देखे, चाहे मैगजीन में देखे। इस वजह से जो चीज 40 रुपए में फैक्ट्री से चलती है कस्टमर को यहाँ मिलती है 100 रुपए में। बीच का जो 60 रुपए है ये जाता है इन 5 लोगों के पास, 1 2 3 4 5। और ये जो 5 लोग हैं इनकी जनसंख्या दुनिया में 20% है, लेकिन इन लोगों के पास दुनिया का 80% पैसा है। और हम लोग जो कि 80% हैं, जो कि इनकी जेब भरते हैं, हमारे को यहाँ पे पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है और हमारे पास दुनिया का 20% पैसा ही है। इसको ध्यान में रखते हुए 1886 में USA में एक कंसेप्ट आया जिसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग। ये कंसेप्ट क्या बोलता था कि ये फैक्ट्री है, आप बीच के सब लोगों को हटाओ, फैक्ट्री से सीधा जोड़ो कस्टमर को। 40 रुपए में फैक्ट्री सामान बनाएगी, 100 रुपए में कस्टमर लेगा, बीच का जो 60 रुपए जो बचा है ये वापस जो है कस्टमर को दिया जाएगा। लेकिन इस 60 रुपए को लेने के लिए कस्टमर को दो काम करने हैं। पहला कि जो फैक्ट्री सामान बना रही है इसको यूज करना है, और दूसरा इसको प्रमोट करना है ताकि दूसरे लोग भी वैसा करें। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड सन 2004 में शुरू हुआ, जो कि भारत की एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का बेस है और 1.25 करोड़ कस्टमर्स का बेस है, जिसका एनुअल टर्नओवर जो है वो लगभग 1000 करोड़ का है। अब बात करते हैं कि वेस्टीज किस तरह से काम करता है और यहां से लाभ लेने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पे करना होता है वो होता है जी रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन का कुछ ना कुछ फीस होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई भी फीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है, सिर्फ आपको अपना बेसिक डिटेल देना होता है, और वो डिटेल देने से आप जो है कंपनी के एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आता है, एक पासवर्ड आता है, जिससे कि कंपनी जो आज के टाइम में 3 देशों में चल रही है आप ग्लोबली कितना बिजनेस हो रहा है वो देख सकते हैं। आपकी परचेज, आपका बोनस, सब कुछ जो है डिटेल यहाँ पे ऑनलाइन बताया जाता है। दूसरा, कंपनी कहती है कि जब आपका आईडी बनता है, आईडी बनने के 30 दिन में आपको कुछ परचेज करना होता है आपकी पसंद का, 700 से 800 रुपए का मिनिमम, कुछ भी सामान जो भी आपकी इच्छा हो लेने की। और ये जो सामान है ये जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में लेना है, आप चाहे तो टुकड़ों में भी ले सकते हैं। ऐसा करने से वेस्टीज आपको 7 तरह की इनकम लेने का मौका देता है। सबसे पहले इनकम की अगर बात करें दोस्तों तो वो होता है रिटेल प्रॉफिट, जो कि 10 से 20% होता है MRP पे। उदाहरण के लिए ये एक वेस्टीज का एश्योर सोप है, नीम तुलसी पुदीने का, और इसका MRP जो आप जैसा कि आप देख सकते हैं 35 है। अगर आप मार्केट से कुछ भी सामान लाएंगे तो वो सारा का सारा हमें MRP पे मिलता है, लेकिन क्योंकि अब जो आप है वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अब आपको ये MRP पे ना मिलके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी DP पे मिलेगा, जो कि है 30 रुपए। अब ये जो 5 रुपए है, अगर मैं किसी को ये साबुन बेचता हूं तो ये मेरी इनकम है, और मैं घर के लिए यूज कर रहा हूं तो मेरी सेविंग है, ठीक है।
अब इसी एमआरपी रिटेल प्रॉफिट को लेने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोली जाती है, मॉल्स खोले जाते हैं, ताकि ये रिटेल प्रॉफिट कमाए जा सके, जो कि वेस्टीज आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए देता है। ठीक है, अब आप जितने का सामान ले रहे हैं उसका लगभग 60% जो भी अमाउंट होता है, जैसे 30% का यहाँ पे होता है 18, तो 60% जो अमाउंट होगा उसको कंपनी बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम बोलती है। इसके ऊपर एक और प्रॉफिट मिलता है आपको, वो होता है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 5 से 20% होता है इस बिजनेस वॉल्यूम का। ये पैसा जो है ये आपके खाते में महीने के अंत में जमा होता है। अब कंपनी का कुछ रीपरचेज स्कीम है। अगर पहली स्कीम की हम बात करें तो वेस्टीज के अंदर हर महीने जो कंपनी के लॉयल कस्टमर्स हैं उनके लिए कंपनी स्कीम लाती है। अगर आप 650 का सामान लेते हैं तो आपको उसके 10% के बराबर यानी 65 रुपए की एमआरपी वाला कुछ भी सामान फ्री। इसी तरह से यदि आप 1800 का सामान लेते हैं तो 180 का कुछ भी सामान फ्री। 2800 का लेते हैं तो 10% के लगभग के बराबर वैल्यू 280 का सामान फ्री। इसी तरह से अगर आप 5500 का सामान लेते हैं तो उसका 550 के बराबर की वैल्यू का कुछ भी सामान फ्री। ये हर महीने स्कीम आता है, हर महीने जो है स्कीम इस तरह से बदलता रहता है, सामान बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 10% के वैल्यू के बराबर सामान मुझे फ्री मिल रहा है, तो मेरी यहाँ पे 10% बचत है। अगर मैं दूसरी स्कीम की बात करूं कंपनी की, रीपर्चेज स्कीम नंबर 2, वो उस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने के 10 तारीख से पहले पहले सिंगल बिलिंग में 2500 का सामान लेता है और 6 महीने तक लगातार लेता है, तो उसको 7th मंथ में, 7वें महीने में 2500 का उसकी पसंद का कुछ भी सामान फ्री मिलता है। अगर आप हिसाब लगाएं तो 2500 का, 2500 का सामान आप 6 महीने तक लेते हैं, आप खरीदारी करते हैं 15000 की, 7वें महीने कंपनी आपको 2500 का सामान फ्री देती है, जो कि लगभग 17% की बचत है। अगर आप यहां देखें तो 10% आपकी यहां बचत है, 5 से 20% की ये बचत है, और रिटेल प्रॉफिट को देखें तो 10 से 20% की ये बचत है। अगर मैं इसके मिनिमम को जोड़ूं तो 42% आता है, और इसके हाईएस्ट को जोड़ूं तो 67% आता है। यदि कोई भी व्यक्ति वेस्टीज में कुछ काम ना करे, सिर्फ अगर आईडी बना के कंज्यूमर भी बना रहता है, तो भी उसको खुद की परचेज पे 42 से 67% का प्रॉफिट है। अगर वो सामान किसी को बेचेगा तो उसकी इनकम है, घर के लिए लाता है तो उसकी सेविंग है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपको वेस्टीज से बड़ा पैसा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं कि ये आप हैं, आपने यहाँ पे आईडी बनाया जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका जो भी आपको जो भी पसंद आता है सामान जो है आपने लिया, जो कि लेना आपकी मजबूरी है। आप साबुन, चाय, तेल, शैम्पू जो है वेस्टीज से ना लाते तो कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं, जो कि हमारा खरीदारी करना हमारा मजबूरी है। अब आप मान लीजिए कि आपने ये कंसेप्ट कुछ लोगों को बताया, हम मान के चलते 6 लोग एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि यहाँ पे आने का पैसा नहीं है, ज्वाइनिंग फ्री है, तो इन 6 लोगों ने ज्वाइन किया और इन लोगों ने अपनी पसंद का, अपनी इच्छा का सामान लिया। सबने हजार हजार बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया। अब मैं जो भी कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा वो सब बिजनेस वॉल्यूम की रहेगी। हजार बिजनेस वॉल्यूम का सामान रुपए में अगर देखेंगे तो 1300 से 1400 रुपए का पड़ता है। हजार हजार का 6 लोगों ने लिया, 1000 का आपने लिया, आपका टोटल बिजनेस होता है 7000। अब ये जो परफॉर्मेंस बोनस है इसको मैं वापस यहां लिखना चाहूंगा, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20%। ये किस तरह से दिया जाता है, यदि आपका बिजनेस 0 से 8 हजार के बीच है बिजनेस वॉल्यूम, तो ये मिलता है 5%। 8016 से 32 हजार के बीच में है तो मिलता है 8%। 32016 से 72 हजार के बीच में है तो मिलता है 11%। 72016 से 120 हजार के बीच में है तो मिलता है 14%।
1,20,016 से 1,60,000 होता है तो 17%, और 1,60,000 से ऊपर का बिजनेस होता है तो 20%। मान लीजिए ये पहला महीना है, ये मैं एक एबीवी एक टर्म लिखता हूं, एक्यूमुलेटेड बिजनेस वॉल्यूम, और आपका जीबी यानी ग्रुप बोनस। तो पहले महीने आपने काम किया, ये स्लैब के हिसाब से आपका बनता है 5%, तो आपके ग्रुप का बोनस हुआ 350। यदि ये काम 7,000 का काम अगर आप अकेले करते तो ये कंपनी पूरा का पूरा पैसा आपको देती, लेकिन क्योंकि आपकी टीम ने भी काम किया है तो उसमें से कुछ पैसा आपकी टीम में भी जाएगा। दूसरे महीने मान लीजिए आपकी टीम में कोई भी नया व्यक्ति नहीं आता है, ये जो लोग हैं यही लोग अपनी घर की जरूरत का सामान अगले महीने फिर से लेते हैं, जो कि लेना उनकी मजबूरी है, और मान लीजिए थोड़े कम का लेते हैं, 5,000 का ही लेते हैं, तो 5,000 के हिसाब से फिर से आप बैठते हैं 5% स्लैब में। तो यहां पे अगर आप देखें तो इस हिसाब से आपको मिलना चाहिए 5%। बाकी सब जगह यही होता है, लेकिन यहां पे वेस्टीज के जो मार्केटिंग प्लान है उसकी एक खासियत है, उसको कहा जाता है एक्यूमुलेशन। अर्थात ये क्या करता है, ये आपके पिछले महीने तक का जितना भी बिजनेस हो चुका होता है उसको आपके इस महीने के बिजनेस के साथ जोड़ देता है। पिछले महीने आपका 7,000 हुआ है, इस महीने 5,000 हुआ है, टोटल होता है 12,000। अब ये 12,000 आपका लेवल डिसाइड करता है, जो कि यहां पे होता है 8%। तो अब आपको 5,000 का मिलेगा 8%, आपके ग्रुप का बोनस हुआ 400। मैं तीसरे महीने की बात करता हूं, मान लीजिए आपके ग्रुप में और लोग आए, काम बढ़ा, 40,000 का काम हुआ, तो पहले आपका 12,000 हो चुका था, अभी 40,000 जुड़ के होता है 52। तो 52,000 के हिसाब से आपका जो स्लैब आता है वो आता है 11%। तो आपके पूरे ग्रुप का बिजनेस हुआ, इनकम हुई 4,400। चौथे महीने आपने फिर काम किया, फिर इनकम आई 40,000, सॉरी 40,000 का काम हुआ, तो 52,000 आपका पहले तक जुड़ के हो चुका था, आप इस 52 में कंपनी 40 को फिर जोड़ देगी तो बिजनेस आता है आपका टोटल 92,000। 92,000 के हिसाब से आपका जो स्लैब आता है वो आता है 14%, तो इस 40,000 का 14% होता है 5,600। ये आपके पूरे ग्रुप का उस महीने का बोनस है। अगले महीने फिर 40,000 का काम हुआ तो ये 92 में 40 को जोड़ देगा 1,32,000, और 1,32,000 के हिसाब से आपका लेवल आता है 17%, तो 40,000 का 17% होता है 6,800। ये आपके उस महीने का ग्रुप का बोनस। और चौथे छठे महीने फिर अगर आप यदि आप काम करते हैं तो 1,32,000 में ये 40,000 को जोड़ देगा, टोटल बिजनेस होता है आपका 1,72,000, जो कि इसके हाईएस्ट लेवल का बिजनेस है 20%। तो आपका उस महीने का ग्रुप का बिजनेस हुआ 8,000। अब इसको अगर हम गौर से कुछ चीज ध्यान में दें कि जब हमारा पहले महीने दूसरे महीने को देखें, जब बिजनेस ज्यादा था तो इनकम कम थी, जब बिजनेस कम है तो इनकम ज्यादा है, और सेम बिजनेस हर महीने होने के बावजूद क्योंकि ये एक्यूमुलेट करता रहता है आपके ग्रुप की इनकम बढ़ती जा रही है। दोस्तों ये यहाँ पे इस 5% से लेकर 20% तक पहुंचने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे आप इसको 1 महीने में कीजिए, चाहे 6 महीने में कीजिए, 1 साल में कीजिए, 5 साल में कीजिए, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। और मान लीजिए आप यहां पे इस 14% के लेवल पे पहुंचते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, और आपसे आज से 2 साल बाद काम करना फिर चालू करते हैं, तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आपको इसी 14% से शुरू करना है, यानी आपको बिजनेस वहीं से शुरू करना है जहां से आपने छोड़ा था। और अगर आप इस बिजनेस में किसी व्यक्ति को नहीं लाते, अगर आप खुद भी सामान लेते रहेंगे तो भी ये जुड़ते 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 कभी ना कभी इसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अब जिस दिन आप इसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हैं, कंपनी आपको एक डेजिग्नेशन देती है डायरेक्टर। डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी के बोनस में से, कंपनी के टर्नओवर में से जो है पैसा लेने का हकदार बनता है। डायरेक्टर को 14% कंपनी के मंथली टर्नओवर का बोनस में से हिस्सेदारी दिया जाता है। ये पॉइंट शेयरिंग सिस्टम होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। अब मान लीजिए
आपकी टीम में 6 लोग हैं। जब ये लोग काम करेंगे तो इनका भी जो है बिजनेस जुड़ते जुड़ते कभी ना कभी 20% पहुंचेगा। अगर आपकी टीम में कोई भी एक डायरेक्टर आ जाता है तो आपको जो है चौथी इनकम आना शुरू होती है, उसको बोलते हैं ट्रैवल फंड, जो कि कंपनी के महीने के टर्नओवर के 3% में से मिलता है। ये पैसा कंपनी जो मैं साल में 2 बार जो फॉरेन टूर करती है, उस फॉरेन टूर को करने के लिए ये पैसा जो है कंपनी आपको देती है, और ये पैसे से आप अकेले या अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये जो आपका डायरेक्टर ग्रुप है, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग होंगे, और ये जो पूरा ग्रुप है लोगों का, ये 90,000 बिजनेस वॉल्यूम या उससे ज्यादा का काम अगर करना शुरू करता है, तो आपको एक और इनकम आना शुरू होती है, उसको बोलते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, उसको शॉर्ट में हम LOB बोलते हैं, जो कि कंपनी के मंथली टर्नओवर के 15% में से मिलता है। और वेस्टीज के अंदर जो है LOB जो है ये इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है। अगर हम यहाँ कुछ एग्जांपल देखें, संतोष सिंह मई 2016 का इनका देखें स्टेटमेंट, तो 1,12,000 रुपए का उनका उस महीने का स्टेटमेंट है, जिसमें से अकेला LOB जो है वो 59,000 का है। पूरन चंद डबराल जी जिन्होंने जिनका जुलाई का स्टेटमेंट अगर आप देखें, तो 1,25,000 में से 48,000 रुपए जो है वो LOB से मिला है। इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रैवल फंड जो है हर महीने इनका जो है इतना पैसा जुड़ता है, और 6 महीने बाद जो है इसी पैसे से ये फॉरेन ट्रिप जाते हैं। अगर आप इनकी देखें, संतोष कुमार जी जिनका जून का स्टेटमेंट है 4,66,000 का, और इस 4,66,000 में से जो LOB है वो अकेला 2,25,000 रुपए है। इसी तरह से पूरन चंद डबराल जी फिर जून 2016 का जो स्टेटमेंट है, उनकी इनकम जो है 1,09,000 है। 1,09,000 में से 32,000 रुपए जो है आपका लीडरशिप बोनस है। ये व्यक्ति पूरी तरह से अनपढ़ है। इनका जून का जो 2016 का स्टेटमेंट है वो 2,12,000 है, उसमें से LOB जो है वो अकेला 1,05,000 है, और इसमें भी आप देखेंगे तो इनको भी जो है ट्रैवल फंड जो है उस महीने का 10,000 मिला है। इसी तरह से बात करें तो ये दीपाली पात्रा वाला है, इन्होंने 2009 में बिजनेस शुरू किया था। जून 2016 का इनको जो स्टेटमेंट है वो है 16,71,694 रुपए का। इस 16 लाख में से जो LOB है वो अकेला 12,19,000 का है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो एग्जाम्पल है, राज मोहम्मद जी हैं, इनका 3,12,000 का स्टेटमेंट है। 3,12,000 में से 96,000 अकेला LOB है। इनको डायरेक्टर बोनस भी मिलता है, इनको ट्रैवल फंड भी मिलता है। इसी तरह से जो है यहाँ पे जो है अकेले डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर को जो है इनकम जो है 53,000 रुपए की है। ये संतोष कुमार जी हैं, इनका 4,46,000 रुपए का स्टेटमेंट है, जिसमें से 2,12,000 LOB है। इसी तरह से विवेक कुमार सक्सेना जी हैं, इनका 8,28,000 रुपए का स्टेटमेंट है, जिसमें से 4,43,000 रुपए आपका LOB है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो बोनस है उसको कहा जाता है कार फंड, जो कि कंपनी के महीने के टर्नओवर के 5% में से मिलता है। ये 2,000 रुपए से लेके 60,000 रुपये महीना मिलता है। पहले ये कार खरीदने के लिए मिलता है, बाद में कार को मेंटेन करने के लिए मिलता है। ये किस तरह से मिलता है? जब आपकी टीम में एक डायरेक्टर पहले से था, दो और आ जाते हैं, तो ये कार बोनस आपको मिलना शुरू होता है। अब एक छोटा सा मैं आपको जो एग्जांपल दिखाऊं ब्रेक लेते हुए, तो वेस्टीज के अंदर जो है ये एक कार बुक है, जो कि उन लोगों पे बनाई गई है जिन्होंने अपनी कार जो है वेस्टीज में ली है। छोटी कार से लेके लग्जरी कार, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर से लेके जो है, अब इनकी बात करते हैं, ये मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह जो है ये वेस्टीज में हाईएस्ट इनकम लेने वाले जो है व्यक्ति हैं। इनका जुलाई 2016 का स्टेटमेंट 44 लाख रुपए का है, और लगभग 1,25,000,000 की गाड़ियां जो है इन्होंने
वेस्टीज से इसी कार फंड के माध्यम से ली है। इस तरह से जितेंद्र नायक जी हैं ये उड़ीसा से हैं और ये ऑडी Q5 मेंटेन करते हैं जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है। इनकी महीने की इनकम जो है तकरीबन 17 लाख रुपए के आसपास है। ये रमेश पोहानी जी हैं जो कि एक बेसिकली जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद इस बिजनेस को शुरू किया। इनके पास जो आप देख सकते हैं मर्सिडीज ह्युंडई और जो है सुजुकी की गाड़ी है। इनका महीने का जो स्टेटमेंट है महीने की जो इनकम है लगभग 18 लाख रुपए है। इस तरह से वेस्टीज में अगर आप देखें तो 2,500 से ज्यादा जो है इस तरह से कार फंड अचीवर्स हैं, 150 से ज्यादा लग्जरी कार्स अचीवर्स हैं और 2,000 से ज्यादा नॉर्मल जो है वो कार अचीवर्स हैं। अब आगे की मैं बात करूं, इसके लास्ट बोनस की बात करते हैं। हाउस फंड जो कि कंपनी के महीने के टर्नओवर के 3% में से मिलता है, ये पैसा 3,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए महीने 80,000 रुपये महीना मिलता है। ये कब मिलता है? जब आपकी टीम में जो 6 लोग हैं सारे के सारे डायरेक्टर लेवल पर पहुंच जाते हैं और वेस्टीज कोई घर नहीं देती है। वेस्टीज जो है हाउस फंड के नाम पे आपको पैसा देती है और वेस्टीज के अंदर 55 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट का घर बनाने वाले तकरीबन 150 लोग हैं जिन्होंने इस हाउस फंड की मदद से घर बनाया है। ये सातों तरह की इनकम आपको मिलना शुरू होती है जब आपके टीम में जो है 6 डायरेक्टर आते हैं। और मान लीजिए किसी भी कारणवश आपके 6 में से 5 डायरेक्टर काम करना बंद कर देते हैं, यदि एक भी काम करता रहता है तो ये आपको सातों तरह की इनकम आती रहती है। ये सब कुछ मिलता है एक रजिस्ट्रेशन से जिसका भी किसी भी तरह का कोई फीस नहीं है। धन्यवाद। विश यू वेल्थ।